সুতরাং আমি মনে করি এটা টোটাল ভাওতা। এই দেখুন, আমি একটা বই লিখেছিলাম নাগরিকত্বের আতঙ্ক, পারলে বইটা কিনে পড়বেন। যারা খুশি হচ্ছেন তারা দেখে নেবেন আইনটা, তাতে বুঝতে পারবেন যে আইনটা কত ভয়ানক, কত আতঙ্ক সৃষ্টিকারী। দুজনকে দেবে, আটজনকে দেবে না। যে দুজন পেলেন সে হয়তো খুশি হবে, কিন্তু যে আটজন পেলেন না তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে। বাংলায় আমরা থাকতে কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেবো না, কোনো এনআরসি করতে দেবো না, কারো অধিকার কাটতে দেবো না, কাউকে বঞ্চনা করতে দেবো না, কাউকে লাঞ্ছনা করতে দেবো না। এর জন্য যদি আমার জীবনও যায়, আমি জীবন দিতে তৈরি। বাংলার মানুষের অধিকার আমি কিছুতেই কাটতে দেবো না। 2019 में आपने ANI को इंटरव्यू में कहा था कि जो हिंसा हुई थी उस वक्त CA के कारण जो हिंसा हुई थी उस वक्त आपने कहा था एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है और वो आप दूर नहीं कर पाए उस डिसइंफॉर्मेशन को, मिसइंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन जो भी। इस बार क्या पार्टी जो है या सरकार जो है उसको अलग कर पाई है? सुनीता जी, दरमियान में मैंने कहा 41 टाइम 41 बार अलग अलग मंचों से इसके बारे में मैंने डिटेल बात करी है कि इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CAA में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। CAA सिर्फ और सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए।